उतना नहीं किए, वो हमारे ननद जी के ससुर हमें मेरे साथ उतना किए, और हमें दहेज में भैंस भी दिए हैं, पैसा की जब जरूरत पड़ती है तो पैसा देते हैं, जो भी चीज़ का जरूरत पड़ती है। तो मेरे साथ किस तरह बर्ताव चल रहा है, फिर इनके बाद हम रुकना शुरू किया, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमारे सब हित ही हैं, हमारे बहुत सारे दुश्मन भी हैं, हमें बहुत ना चाहने वाले भी हैं, हम बहुत को बाहर गए हैं तब से मेरे साथ ऐसे कर रहे। तब हमें पता चला कि इस तरह का कपाट पे इनका कुछ चढ़ा हुआ, कोई लगाया है, इसलिए मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। और मेरा कोई किसी को खुशी नहीं सुहाता है, सब सोचते हैं कि इनका घर पूरा बर्बाद हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, बहुत अच्छा होगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज जो है ना, आज आप लोग को हम अपने ब्लॉग में ये बताने जा रहे हैं कि आज हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, आज हम इतना मार क्यों खा रहे हैं, आज हमारे घर में पूरा बवंडर क्यों मच रहा है। और दोस्तों, हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कभी होगा। और दोस्तों, हम पापा जी को मंगाए थे, जो कि हमारे ननद जी के ससुर हैं, और हमें कन्यादान भी किए थे, और अपने पापा से बढ़ के भी मानते हैं, जो जन्म दिए जो उतना नहीं किए, वो हमारे ननद जी के ससुर हमें मेरे साथ उतना किए, और हमें दहेज में भैंस भी दिए हैं, पैसा की जब जरूरत पड़ती है तो पैसा देते हैं, जो भी चीज़ का जरूरत पड़ती है तो अपने शरीर लेके भी खड़े होते हैं, इतना तो अपने पापा भी नहीं किए हैं दोस्तों। तो अभी उस रोज भी बुलाए, और हमारे पापा जी तो हर एक चीज़ जानते हैं, मतलब झाड़ फूँक करने के लिए सब चीज़ जानते हैं वो होता है, वो सिर्फ उनका जो इलाज कर देते हैं, बस हो गया। हम मंगाए, उस रोज आए पापा जी, का स्थिति मेरे साथ किस तरह बर्ताव चल रहा है, फिर इनके बाद हम रुकना शुरू किया, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हमारे सब हित ही हैं, हमारे बहुत सारे दुश्मन भी हैं, हमें बहुत ना चाहने वाले भी हैं, हम बहुत को अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत को अच्छे भी लगते हैं, और इनको बुला के लेके जाते हैं, कोई कुछ कर देते हैं। और उस रोज दोस्तों ऐसे बोले कि हमको काम है, मत रोको, हमको जाने दो। हम तो लड़ाई करके भी घर में रख लेते थे, लड़ाई कर लेते थे, दो चार बात बोल देते थे, तो नहीं जाते थे। लेकिन उस रोज दोस्तों उसका कपाट पे क्या चढ़ा था, नहीं चढ़ा था, पता नहीं। तो दोस्तों उस रोज गए, और शाम का पूरा मूड ऑफ, और शाम में उधर से आए, तो उधर भी पूरा रात में भी थोड़ा बहुत बकथन हुआ, फिर सुबह से झगड़ा चालू। दोस्तों आप लोग, हम उस रोज के वीडियो में ये भी बताए थे कि किस बात का लड़ाई हुआ, थोड़ा सा था कि जो रॉन्ग नंबर से कॉल आया और उल्टे हम ही को दबाने लगे, तो उसी बात पे इनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था कि आखिर हमारी वाइफ कोई ख़राब बात तो नहीं बोल रहे हैं, उधर से कॉल आए फिर इसीलिए अच्छे बोल रहे हैं, इसी बात पे हो गया। और हम भी नहीं अच्छे से समझे, गुस्सा थे, हमको भी समझना चाहिए कि कोई अनटेटल के जैसे बात करते तो हम क्यों करें, दूसरे के जैसे हम क्यों बने। उल्टे वही कॉल लगा के उल्टे वही हिंदी फारसी झाड़ने लगे, तो दूसरे को गुस्सा उठ जाएगा, हमको भी गुस्सा उठ गया, और हम भी बहुत सारी बात बोल दिए, और हम उस समय नहीं सोचे कि गुस्सा है, छोड़ देते हैं, क्योंकि अपना माती में थे ही नहीं, तो हमको शांत हो जाना चाहिए, तभी हम समझ नहीं पाए थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में अगर जब दो रोज ऐसे ही चला ना, फिर समझ में आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। और जब से ये गए हैं ना, बाहर गए हैं, तब से मेरे साथ ऐसे कर रहे। तब हमें पता चला कि इस तरह का कपाट पे इनका कुछ चढ़ा हुआ, कोई लगाया है, इसलिए मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। और मेरा कोई किसी को खुशी नहीं सुहाता है, सब सोचते हैं कि इनका घर पूरा बर्बाद हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, बहुत अच्छा होगा, सबको सबका आत्मा का शांति मिल जाएगा, आत्मा को हम मार खाए, हम मर जाए, कुछ भी करे तो सबको अच्छा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। हमसे नहीं सक पाते हैं तो हमारे हस्बैंड जी का कपाट पे चढ़ा देते हैं, बढ़ते व्यू पाने के लिए ऐसे करते नहीं दोस्तों। हमारे साथ जो रियलिटी होता है ना, हम वही बात बताते हैं। उस रोज हम बेकूफ नहीं थे कि हम इस तरह का दिखाते, कभी हम पब्लिक से शेयर नहीं करते थे, लेकिन गुस्सा में आके हम शेयर किए हैं आप लोग से, बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे, और आप लोग देख ही रहे थे कि कितना ज़्यादा हमें रोना आ रहा था। हमें इसलिए रोना आ रहा था कि आखिर हम आज किए कुछ नहीं, इतना दिन हमको कुछ भी नहीं बोले, हम जहाँ तक कि चार बार के बोल देते थे, हम गुस्सा उठते थे, मेरा बात सहन कर लेते थे। उस रोज हम थोड़ा सा जो कि कॉल आया उस पर बोले, तो हमको यह कैसे आज मार दिया। इसलिए हम आप लोग को बताए भी थे कि जो है रियलिटी हम आप लोग को नहीं बताते थे पहले, हाँ, और हमें कुछ भी नहीं बोलते थे, हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं, आप लोग की मदद चाहिए। तो इसमें बहुत सारे आदमी बहुत सवाल उठाने लगे हैं, सबके घर में ऐसे होते, ऐसी बात नहीं है कि सबके घर में नहीं होते हैं, बहुत मेरे से बदतर होता है सबके घर में। हम किसका हिस्ट्री नहीं जानते हैं, जो मेरे लिए हमको गाली दे के बोलते हैं ना कि अब इनका इनको पता चलेगा अभी क्या हुआ है, बाकी है अभी, तो उनके भी बारे में हम बता देते हैं कि वो 3 रुपया के चलते अपना आटे ची फोड़ दिए थे, अपने कन्या को इतना मारते थे ना, दूसरे के घर में जाके रहते थे,
जो हमें इस तरह का गलत बात बोल रहे हैं। और अगर जो आप वीडियो देखते होंगे ना तो पता चलता होगा। और हम कितना खुशी से हम रह रहे हैं, लेकिन कपाड़ पे आपको कोई कुछ चढ़ा देंगे तो आप जरूर, जैसी बात है घर में किसी पे ध्यान ही नहीं रहेगा, पहचान में ही नहीं आइएगा कि कौन है नहीं है, तो किस तरह वर्कआउट कीजिएगा। कोई और नहीं, तुम्हारा अपना आदमी ही ऐसा किया है, और तुम्हारे साथ तुम्हारे पे से ध्यान इनका तुम्हारा अपना ही आदमी उतारा है, इसलिए तुमको तुम्हारे साथ ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हम कहीं नहीं जाने देते, जहाँ जाते तो हम साथ जाते हैं। हमको पता है कि हमारा खुशी कोई नहीं देख सकते हैं, हम दोनों आदमी खुश रहते हैं तो किसी को मतलब लगता है कि ये दोनों खुश रहे ही नहीं, दोनों एनी टाइम कट्टे मारे लड़े तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि इस तरह का करके आप लोग को मिलता क्या है जो हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं, एक दिन आपका भी घर में ऐसे होगा, सोच लीजिएगा दोस्तों। भले आप जो वीडियो नहीं बनाते हैं तो वो पब्लिक से शेयर करेंगे ही नहीं, हम बनाते हैं, मेरे साथ में जो होता है, मेरे साथ जो भी रियलिटी होता है हम पब्लिक से शेयर करते हैं, तो आज हमें बदनाम ठहर रहे हैं, लेकिन हम अपने खुद तो देखते हैं जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं उनका घर में किस तरह बीत रहा है, हम तो देखेंगे ना, वो तो मेरा आत्मा जुड़ा जाएगा ना कि हमको मार खिलाए इस तरह और मेरा घर से पूरा मन उतारे, मेरा घर पूरा बिखर चुका है दोस्तों, मोबाइल मेरा फूट गया है, इस तरह का हो गया। आप लोग को मोबाइल का वीडियो बना के नहीं दिखा पाए, वो भी आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों, इतना ज़्यादा घर का हानि हुआ, शरीर गल गया है, जो कि हमारे हस्बैंड जी का कितना अच्छा खासा हष्ट पुष्ट शरीर था वो भी पूरा नथी हो गया है, उनका देह में शक नहीं लग रहा, कल पानी चढ़ाए उनको, इतना उनके ऊपर पूरा खून चोस लिया है उनका। बताइए मेरे साथ करते करते हमसे थक गए, हम नहीं मरे तो हमारे हस्बैंड जी पे जाके छोड़े क्या दोस्तों? कोई इंसान है ना मेरे पास में कम दवाई लगा है क्या? सबको पता है, और फिर मेरा चेहरा उसी तरह होते जा रहा है। टेंशन सबसे बड़ी बात, तो टेंशन खाते हैं और ऐसी बीमारी पे ले जाके छोड़ते हैं ना, ऐसी बीमारी पे ले जाके उनका पता नहीं है, और वो कौन करवा रहे ना हमें सब पता हो गया है, भले कोई नहीं बताए ना, लेकिन अनुमान जो जिसके साथ जैसे करते ना, अनुमान उनके साथ लग जाता है कि हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, जो कि आज तक हम किसी का ना बुराई किए, जहाँ तक कि हम भलाई ही सोचे हैं दूसरे का। और इसीलिए कहते हैं ज़्यादा भलाई भी किसी को अच्छा नहीं होता, जिसके बारे में आप ज़्यादा भलाई सोचिएगा तो आपका ही बुराई करने का स्टार्ट कर देंगे, और आप ही को गड्ढा खोद कर आप ही को गिराने का स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों गड्ढा खोदिए, आप लोग से नहीं बोल रहे हैं, जो हमें इस तरह का कर रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं कि आप गड्ढा खोदिए, लेकिन आप ही गिरिएगा, हम गिरेंगे नहीं, गिरने से हम बच जाएंगे, थोड़ा सा मेरे घर में विवाद न उठा दो चार दिन के लिए, सच्चाई तो पता चल गया कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी तो चल गया कि किस कैटेगरी का इंसान रहते हैं धरती पे, किसी का खुशी किसी को सुहाता नहीं है, अपना ही करते हैं, कोई दूसरा गैर नहीं करने के लिए आते हैं, अपना ही करते हैं, ये भी तो समझ में आ गई ना। और इतना मार खाए, शरीर गला मेरा गला ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी समझ में आ गई कि इंसान क्या कैटेगरी के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, किसका खुशी देखने के लिए चाहते हैं, किसी का खुशी नहीं देखने के लिए चाहते हैं। और किसी को दो पैसा हो जाएगा ना दोस्तों, किसी को कोई आगे बढ़ने लगेंगे तो उनका एकदम से पैर खींचने की कोशिश करेंगे, ताकि किस तरह करे कि नीचे गिरे, हर एक चीज से, इज्जत से, सब चीज से नीचे गिराने की एनी टाइम कोशिश करते रहते हैं। इससे हमें भी गुस्सा आई, हम भी शेयर कर दिया आप लोग से, और बहुत सारे आदमी गलत भी बोल रहे हैं कि इनका वीडियो देखना बंद करो, और नौटंकीबाज करते हैं, आंख में ड्रॉप लेके जो आंसू बहाते हैं, ऐसे मेरा किसी वीडियो में नहीं देखे। जब हमें दिल पे चोट आती है ना, दिल पे चोट आती है तभी रियलिटी आंसू आता है, रियलिटी आंसू सबको पता चलता होगा कि ड्रॉप लिया हुआ है, कि पानी लिया हुआ है, कि आंख का आंसू है, रियलिटी है। तो चलिए दोस्तों यही सब बात आप लोग से शेयर करना था, आप लोग सुन ही लिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों किए हैं और उनका कपाट पे क्या लगा हुआ था, सारा चीज़ आप लोग को बता ही दिए कि, और इतना अच्छा हष्ट पुष्ट शरीर जो कि उनको फिर पानी चढ़ाना पड़ा, इधर भी पानी चढ़ाए, चार तीन दिन से इंजेक्शन मम्मी सब दिलवा रही थी, आते थे शाम को, कहीं उनका बास भी नहीं होता था, एक तो घर छोड़ के फिरा रहे थे, कहीं बास भी नहीं होता था, आते थे डॉक्टर इधर साइड में ही है, फिर वहाँ से इंजेक्शन सब लेके जाते थे, कल पूरा रियलिटी बताए तो मेरा दिमाग फेंका कि आखिर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे थे, सबको तब पता चला। और बहुत सारे आदमी बहुत सारी बात बोल के जो है ना मेरा दिमाग इतना ज़्यादा टॉर्चर किया ना, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि तीन दिन से आज हम घर में कोई सुख चैन से नहीं रह पा रहे, सबको लगता है कि ओझरी फंदा में लगा के रख दी, किसी का बात किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। अब कोई करके दिखा दे, किसी को हिम्मत होगी ना करके दिखा दीजिएगा, कुछ दिन के लिए और है, कुछ दिन और सता सकते हैं आप लोग, सताइए जितना दिन सताना है, भगवान की मर्जी है, हम लोग को सता सकते हैं, मार नहीं सकते हैं कोई, जितना सताना है ना उतना सता लीजिए, आप लोग की मर्जी है, भगवान की कृपा है, जब उनकी मर्जी होगी तो अपने आप सताया जाइएगा,
हम लोग को सताना बंद कीजिए, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह का कर रहे हैं ना, सताना बंद कीजिए। हम लोग बहुत दुख झेल के अभी तक हैं धरती पे और बहुत दुख झेल रहे हैं। ऐसी बात नहीं सिर्फ हम ही झेल रहे हैं, हमारे घर के पूरा परिवार झेल रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग देख ही लिए सारा बात, सुन ही लिए, तो चलिए वीडियो को यहीं अंत कर देते हैं हम। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोग से बहुत ज़्यादा शेयर करना है कि इस तरह का क्यों हो रहा था। सारा चीज़ तो इस वीडियो में दिखा ही दिए, और बहुत सारी बातें हैं कि जो आप लोग से हम शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।